निकाय चुनाव के दौर में मैनपुरी के सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। 4 मई के दिन नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है, ऐसे में 3 मई के दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी व मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव सपा कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि नगर निकाय चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष कराए जाएं। उन्होंने प्रेस वार्ता में यह भी कहा है कि उन्हें सूचनाएं मिल रही हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार बंद होने के बावजूद भी भाजपा सरकार के कई मंत्री जनपद में कैंप किए हुए हैं, जबकि लोकतंत्र के तहत ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही चुनाव प्रचार प्रसार बंद होता है, वैसे ही बाहर के सभी नेता और मंत्री जनपद को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने प्रेस वार्ता में यह भी बताया है कि वे मैनपुरी के सांसद हैं, ऐसे में चुनाव के दिन यानी 4 मई को जनपद में ही रहेंगे। किसी भी तरीके की कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना मिलती है, तत्काल उनको अवगत कराया जाए, तत्काल कार्रवाई कराएंगे। साथ ही उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया है। किस तरीके से, आइए आपको भी दिखाते हैं। हम सभी जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, अब 2 ही दिन बचे हैं जब मतदान होने जाएगा, और हमें ऐसी सूचना मिल रही है लगातार कि यहाँ पे मंत्री लोग आके रुके हुए हैं, जिन्हें अब ये भूमि छोड़ देनी चाहिए, क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग हैं। और किसी भी चुनाव में जो जनप्रतिनिधि नहीं है वो यहाँ नहीं रुक सकते हैं। तो मेरी प्रशासन से अपील है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी नियम है, उन्हें वह पालन करें, और जो भी बाहर के यहाँ पे मंत्री लोग रुके हुए हैं और जो प्रतिनिधि रुके हैं बाहर के, उन सबको कहें कि वो इस क्षेत्र को छोड़ के जाएं, क्योंकि चुनाव होने जा रहा है। और लगातार प्रशासन सरकार के दबाव में है, और अभी जो घटना हुई है करनाल में भी, करनाल में जहाँ महिलाओं को डरने मारे गए हैं, और प्रशासन चाह रहा है कि चुनाव सही ढंग से ना हो पाए। लगातार यह सरकार और प्रशासन का एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है समाजवादी कार्यकर्ताओं पे, जनता के ऊपर, कि वह वोट डालने के लिए ना निकल पाए, यहाँ पर घर में चुपचाप बैठ जाए। लगातार संविधान को उत्तर प्रदेश में कुचला जा रहा है और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, जो हमारा हक और अधिकार है। तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का यही उद्देश्य था कि हम अपनी बात आप लोगों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं तक पहुंचा सके। और मैं सबसे अपील करना चाहूंगी कि जिस तरह आपने लोकसभा चुनाव मैनपुरी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और प्रशासन के दबाव में आप नहीं आए, और हमारे समाजवादी कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ में निगरानी रखी और वह प्रशासन से बराबर लड़े, और लगातार हम अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में उस समय भी थे और अभी भी हैं, और किसी पे भी कोई भी अगर दबाव बनाता है तो हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार समाजवादी पार्टी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है, और सरकार वाले इस बात से थोड़ा डगमगा रहे हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में बटन गर्ल को बैन करने की मांग की है, बात कही है, जबकि प्रधानमंत्री जी रैली में इसको मुद्दा बना रहे हैं, बजरंगबली के नारे लगा रहे हैं, बजरंगबली को मुद्दा बना रहे हैं। अभी हमारे राज्य के चुनाव जो हो रहे हैं ये हमारे महत्वपूर्ण हैं। कर्नाटक से उत्तर प्रदेश का क्या लेना देना है, अभी वहाँ की पॉलिटिक्स अलग है और उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अलग है। आप लगातार कयास लगा रही हैं जिला प्रशासन पर और पुलिस प्रशासन पर कि लूट की जा सकती है, तो इसको कैसे रोकने का क्या उपाय है? चुनाव होने दीजिए तो हम जरूर आयोग पे जाएंगे अगर इस तरह की सूचनाएं आती हैं। अभी हमारा निवेदन है शासन से कि जो बाहर के रुके हुए मंत्री हैं और जो जनप्रतिनिधि यहाँ रुके हुए बाहर के जो हैं, उन सबको कहें कि वह बाहर जाएं, क्योंकि लगातार मैंने बोला है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र स्थापित हो भारत देश में। तो मेरा आप सबसे मीडिया वालों से भी विशेष अनुरोध है कि आप इस पे ध्यान दें, और लगातार हम आपसे संपर्क में रहेंगे अगर किसी भी तरह की सूचना मिलती है।